आज बुद्धि को कहाँ लटकाना है? ऊपर। बाबा के पास। तो चलो बुद्धि को, मन को, मन के संकल्पों को समेट लेते हैं। अभी जो भी संकल्प आ रहे हैं, सभी संकल्पों को बताते हैं कि थोड़ी देर बाद आना, अभी हम मोस्ट बिलेवेड बाबा से मिलने जा रहे हैं, जो इस सृष्टि का रचयिता है, करावन हार है, VVVIP पर्सन है। मन को प्यार से समझाते, सभी बातों से न्यारा हो जाओ। इन बातों के लिए टाइम है। अभी हम मोस्ट बिलेवेड VVIP आत्मा से मिलने जा रहे हैं, उस शांति के सागर को मिलने जा रहे हैं। चलो फिर, इस शरीर से न्यारे हो जाते हैं। देखे न्यारा होता हुआ इस शरीर से अलग आत्मा, 1 फीट सामने ही, हमारे सामने, इस साकार शरीर के सामने आत्मा, शरीर से अलग एनर्जी बिंदु चमक रहा है। बुद्धि के नेत्रों से देखने का प्रयास करेंगे। कितना प्यारा सा बिंदु है, चमक रहा है। देखे इसकी साइलेंस, साइलेंस मेरा ओरिजिनल स्वभाव है, ओरिजिनल संस्कार है। साइलेंस की किरणें रेडिएट करते हुए मैं बिंदु, अब फिर से इस साकार शरीर में आते हैं, भ्रुकुटि तक पर, और इस साइलेंस को अनुभव करेंगे कुछ क्षणों के लिए। अब फिर से शरीर से डिटैच होते हैं। देखे मैं आत्मा न्यारी, बिल्कुल सामने, अब उड़ चलते हैं अपने घर। सूक्ष्म वतन को पार करते हुए प्यारे से मीठे घर आते हैं, परम धाम। देखे पूरा सुनहरा लाल प्रकाश, पूरा बिखरा हुआ है। कितनी शांति है यहाँ पर,
कितना प्यार है, देखे फील करे। साइलेंस की दुनिया की साइलेंस, बाबा के पास एकदम, बाबा बिंदु मैं बिंदु। साइलेंस के किरने फैलाता हुआ मेरा बाबा, और मैं इस साइलेंस को अपने अंदर समाती जा रही हूं। कितनी शांति है यहाँ पर, कोई आवाज नहीं, कोई संकल्प नहीं, ना देह के, ना देह के संबंधियों के, रिश्तों के, वस्तु के, कोई संकल्प नहीं। मुझे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर बेफिक्र बादशाह के जैसे पूरे आराम की स्थिति में, आराम ही आराम, ऐसी स्थिति में इस साइलेंस में खो जाए। अब मुझे कुछ कार्य नहीं, बस मैं और मेरा बाबा और ये मीठी साइलेंस, मीठी शांति को फील करे। कितनी मिठास है, अब आ जाए धीरे धीरे अपनी रुकुटी तख्त पर, और यहां पर परमधाम की फीलिंग करेंगे। भ्रुकुटी तख्त पर बाबा और मैं एकदम पास, पूरी याद समाई हुई घर की, बाबा की, पूरी तरह से मैं स्मृति स्वरूप, सो समर्थी स्वरूप बनती जा रही, और मुझसे साइलेंस की किरणें पूरे वातावरण में फैलती जा रही। अनुभव करेंगे आसपास का वातावरण कितना शांति से भर गया है। इसी साइलेंस की स्थिति में आज हम संदेश पढ़ेंगे। तो आज पॉसिबल हुआ तो दो संदेश पढ़ेंगे। चलो अभी सभी
ये संदेश ऐसे सुनने हैं, इसकी विधि ये है कि अगर आपको कुछ कार्य नहीं तो आप बिल्कुल फ्री होकर बैठेंगे, तो आपको बहुत सारी अनुभूतियां वतन की अपने आप फील होने लगेगी। अगर कार्य है तो अव्यक्त स्थिति में होकर ही कार्य करें, तो वो फीलिंग्स आपको आने लगेगी। तो ये संदेश का डेट है 27/7/2012। इसका टाइटल है कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड में अशरीरी फरिश्ता व ब्राह्मण सो देवता बनने की ड्रिल करो। देखो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो टाइटल अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये बुक से पढ़ रहे हैं इसलिए टाइटल्स अलग हैं। बुक का पेज नंबर है 83, 2012 और 13 का अव्यक्त वाणी बुक से। तो देखो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर द्वारा हमको क्या मिलेगा, 1 सेकंड में अशरीरी फरिश्ता वह ब्राह्मण सो देवता बनने की ड्रिल करो। चलो अभी 1 सेकंड अशरीरी हो जाओ। देखे मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, बाकी कुछ नहीं साकार शरीर भी लोप, बच गई मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट। अब 1 सेकंड में फरिश्ता, फरिश्ता ड्रेस 1 सेकंड में। अब 1 सेकंड में ब्राह्मण, अब 1 सेकंड में देवता, सतयुगी देवता देखे अपने आप को। आ जाए अभी ब्राह्मण स्वरूप में। तो जैसे टाइटल है वैसे अंदर भी बाबा ने बहुत सारी अनुभूतियां दी है, कराई है। तो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर द्वारा ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आ रही है ना, जिस सेकंड जिस क्षण जो करना चाह रहे हैं वो हो पा रहा है। 1 सेकंड में अशरीरी फरिश्ता वह ब्राह्मण सो देवता बनने की ड्रिल करो। आमंत्रित मुख्य भाइयों की भट्टी में, आज भाइयों की भट्टी है, आज जब अभी संदेश सुनेंगे, आज जब अमृत वेले बाबा के पास गई तो क्या देखा कि बाबा सभी बच्चों के बीच में बैठकर दृष्टि दे रहे थे। अभी बाबा से दृष्टि लेंगे। जैसे बाबा दृष्टि देते गए वैसे सभी के चेहरे बदलते गए। चलो अभी बाबा की दृष्टि अब हमारे चेहरे पर आने लगी। तो देखो हमारे चेहरे कितने चमक रहे हैं ना। सारी सभा जैसे फरिश्तों के रूप में चमक रही है। देखो सभी कन्वर्ट हो गए फरिश्ते में, लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ते। तो बाबा बोले आज जैसे सब बच्चे वतन में इकट्ठे हुए हैं, तो बाबा भी इन्हों को एक सीन दिखाता है। अभी बाबा हमको सीन दिखाएंगे, बुद्धि की आंखों से देखेंगे। बाबा आगे चले और हम सभी भी पीछे पीछे चले। देखो अभी ब्रह्मा बाबा आगे जा रहे, हम उनके पीछे पीछे। वहां एक बहुत बड़ा सर्कल था, वह सर्कल कमल पुष्प समान बना हुआ था। बाबा ने कहा यहाँ हर एक इस कमल पुष्प में बैठ जाओ। चलो सभी अभी हम कमल पुष्प में बैठेंगे। सभी कमल पुष्प समान चबूतरे में बैठ गए।
तो बाबा ने कहा, आज बाबा सभी बच्चों को पिकनिक कराते हैं। सब बैठ गए। देखो, भले ये संदेश हम सेकंड टाइम रिपीट करें, फिर भी हमें बैठना है फिर से, है ना? तो बैठ जाए सभी। सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो, छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं ना, ऐसे कमल पुष्प में बैठे हुए। जैसे हम बैठे तो सर्कल चालू हो गया। पापा बोले, हर एक बच्चा अभी यही संकल्प करे कि 1 सेकंड में कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हमारे में है। अनुभव करेंगे, नहीं नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? है, तो आ जाएंगी ना। है या नहीं बाबा? नहीं, यह है या नहीं? नहीं सोचना है, सोचो फिर आएंगी। 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। सभी इस कमल पुष्प पे ही अशरीरी बन जाएंगे। बॉडीलेस, अशरीरी। सभी ने पुरुषार्थ किया तो कोई सेकंड में बन सके, कोई नहीं। देखो, अभी भी कोई नहीं बनी, ये बाबा देख रहे। तो बाबा बोले, अब आवश्यकता किस बात की है? क्यों नहीं बन रहे अशरीरी? हाँ? ऐसे अचानक बात आएगी जो आपको 1 सेकंड में अशरीरी फरिश्ता वह ब्राह्मण सो देवता, 1 सेकंड में जो स्थिति चाहो वह बन जाए, ऐसे पुरुषार्थ करना है। चलो, 1 सेकंड में अभी फरिश्ता बनते हैं, फिर से 1 सेकंड में अशरीरी, पॉइंट ऑफ लाइट, सिर्फ आत्मा देखना, कुछ नहीं। अब 1 सेकंड में फरिश्ता, हल्का लाइट स्वरूप, माइट स्वरूप फरिश्ता, फिर 1 सेकंड ब्राह्मण, संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण मधुबन में, फिर 1 सेकंड देवता सतयुग में चले जाए, श्री कृष्ण राधे कृष्ण के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ उस दुनिया में, फिर आ जाए फिर से ब्राह्मण स्वरूप में। ऐसा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने चक्कर लगाया तो सब एंजॉय कर रहे थे, है ना? सभी बैठे हैं ना कमल पुष्प में। चक्कर लगाया बाबा ने सभी को। फिर सभी चबूतरे से उतरे तो बाबा एक पहाड़ी पर ले चले। चलो, अभी इधर ही नहीं बैठना है, पहाड़ी। बाबा हमेशा पहाड़ी पर ही लेके जाते, जहां यह सेकंड में जो चाहे वह बन सके। तो वहां भी ड्रिल कराए, जहां चाहे, जिस सेकंड चाहे, जितना समय चाहे, हम यहाँ पर बैठकर ड्रिल करेंगे। सभी यह ड्रिल करते हुए बहुत खुश हो रहे थे। चलो, अभी 1 सेकंड अशरीरी हो जाओ, ड्रिल करेंगे पहाड़ी पर बाबा की। 1 सेकंड फरिश्ता, फिर 1 सेकंड संगम युगी ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा के साथ, फिर 1 सेकंड देवता ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण के कॉस्ट्यूम में, और हम किसी और देवी देवता के कॉस्ट्यूम में, इसी पहाड़ी पर। फिर 1 सेकंड फिर से ब्राह्मण स्वरूप। कितना अच्छा लग रहा है ना रील करते हुए बाबा के साथ, माय गुडनेस। फिर तो बाबा के साथ हम सब नीचे आ गए, और डबल वी के रूप में बाबा के सामने बैठ गए। चलो, पहाड़ी के नीचे आएंगे, डबल वी शेप में बैठेंगे। बाबा बहुत मीठी दृष्टि देते हुए, मुस्कुराते हुए बोले, देखो बाबा से दृष्टि लेते हुए,
बाबा के भ्रुकु टीम से, शिव बाबा दृष्टि लेते हुए हम बाबा का चेहरा देख रहे, बाबा मुस्कुरा रहे हैं, बाबा की मीठी मुस्कान दिख रही ना। बच्चे बाबा अपने निमित्त सभी साथियों को देख बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि यही तो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। तो हम अभी नशा चढ़ाएंगे, हमने निमित्त हमने हमारे द्वारा नहीं साक्षात्कार होगा तो किसी और के द्वारा थोड़ी ना होगा। हमने देवी देवता बनेंगे तो और कौन बनेगा, है ना? साथी है ना, तो बाप को खुशी होती है, वाह बच्चे वाह। उसके बाद बाबा बोले, इन बच्चों को देख रहा हूं कि इन सबके दिल में यही लगन है कि अब कुछ करके दिखाना है, लेकिन सेवा पर जाते दृढ़ संकल्प साधारण संकल्प हो जाता है ना। सभी का यही हाल है, देखिए कुछ करके तो दिखाना है, दृढ़ संकल्प ही लिया है लेकिन वो साधारण हो रहा है, क्योंकि वहां के वातावरण के प्रभाव में आ जाते हैं। आंसर बताया ना। लेकिन बाबा यही चाहते हैं कि यहाँ का वाइब्रेशन वहां सेवा स्थान पर डाले, जो आने वालों पर भी वह प्रभाव पड़े, है ना। हम जहां पर रह रहे ना, वहां का वाइब्रेशन हमें बदलना है। बाबा बता रहे जो भी आएंगे वहां पर, उन पर वो प्रभाव पड़े। जितना यहाँ बल भरते हैं उतना ही वहां वायुमंडल बनाए और साथियों को भी अनुभव कराए। तो देखो हम मधुबन में जो बल भर रहे हैं, वो बादल सब हमको हमारे सेवा स्थान पर और साथियों पर बरसाने हैं, और सभी को अनुभव हो रहा है, ऐसे देखेंगे अभी। बाबा जानते हैं कि बातें तो सामना करेगी, लेकिन बाप साथ है तो बात क्या बड़ी बात है ना। हमने बात बड़ी कर दी, बाबा को छोटा कर दिया, बाबा को भूल गए, इसलिए बाबा क्या बोले, बाबा साथी है तो बात क्या बात बड़ी है, बड़ी बात नहीं है। तो बाबा से किया हुआ वायदा पूरा करके दिखाना है, इस निश्चय को और ही मजबूत करते जावे। ऐसे बाबा का कहना सुनकर सब भाइयों को, भाइयों की सूरत ऐसे स्नेह में समा गई थी, जो ऐसे लग रहा था जैसे दिल ही दिल में सब कह रहे हैं, बाबा मीठे बाबा हम करके ही दिखाएंगे। और बाबा भी हर एक को बहुत बहुत लवलीन रूप से सकाश दे रहे थे। चलो मन में बोलो अभी, बाबा मीठे बाबा हम करके ही दिखाएंगे, हम वायुमंडल को बदल के ही दिखाएंगे। और बाबा का लवलीन रूप, बाबा का प्यारा सकाश हम तक पहुंच रहा है, और इस शक्तियों से हम कर पाएंगे। देखे पूरा वातावरण हम बदलने का, जो संकल्प है दृढ़ संकल्प, वो एक्चुअल में रियलिटी हो रहा है। देखे पूरा वातावरण को बदलने का निमित्त हम बन रहे हैं। इसके बाद बाबा बोले, मेरे सर्विस साथियों को सौगात क्या देंगे, बाबा का कहना और सौगाते हाजिर हो गई। क्या थी, बहुत ही सुंदर बैच बाबा के सामने आ गई, बैच भी न्यारे और प्यारे थे, ऊपर पिन में मेरा बाबा लिखा हुआ था और बैच के अंदर हार्ट का चित्र था, उसके बीच में शिव बाबा का चित्र
सच्चे हीरे के रूप में बड़ा सुंदर चमक रहा था। इतना सुंदर बैच ना दिखाई दे रहा है, पिन में मेरा बाबा लिखा है, फिर बैच के अंदर हार्ट का चित्र और उसके बीच में शिव बाबा का चित्र, सच्चे हीरे के रूप में कितना अच्छा चमक रहा है, जो बड़ा न्यारा और प्यारा लग रहा था। बाबा ने हर एक को बाहों में लेकर सबको सौगात दी, चलो बाबा की बाहों में, और बाबा हमको बैच दे रहे। और कहा यह आपके दिल का चित्र है, एक दिलाराम बाप ही दिल का सहारा, सर्व संबंध में है दूसरा ना कोई। देखो एक बाबा को ही ध्यान में रखना है, शिव बाबा। ऐसे कहते सौगात देते सबको साकार वतन में भेज दिया। उसके बाद दादी जानकी को, रतन मोहिनी दादी को इमर्ज किया। देखो अभी वतन में दादी जानकी जी आई है, रतन मोहिनी दादी जी आए हैं, दिखाई दे रहे, और बहुत प्यार किया उनको भी, बाबा प्यार दे रहे, अपने में समा लिया। साथ में तीनों भाइयों को भी इमर्ज किया, जो तीन भाई थे उनको भी इमर्ज किया और अपने बाहों में समाए, बहुत बहुत प्यार किया। और बोले बाबा को निश्चय ही है कि कोई कमाल करके दिखाएंगे, और सबको विशेष बैच देकर प्यार किया। देखो दादियों को भी भाइयों को भी बाबा ने बैच भी दिया, प्यार भी दिया। ऐसे ही यह दृश्य भी समाप्त हो गया, हमने भी अपने को साकार वतन में देखा। चला भी साकार वतन में आ जा। अभी दूसरा लेंगे संदेश, दूसरा संदेश है 15:8:12 का। तपस्या के लिए एक व्रता, एक नामी और एकाग्र वृत्ति वाला बनना, सफलता के लिए निर्व्यर्थ निस्वार्थ और रहमदिल बनना, इसका रहेगा ना संकल्प। तपस्या के लिए क्या करना पड़ेगा, आज बाबा ने बता दिया, उसके लिए एक व्रता, एक नामी और एकाग्र वृत्ति वाला बनना है, और निस्वार्थ निर्व्यर्थ और रहमदिल बनना है। चलो अभी फिर से वतन में जाएंगे, साकार चोले में आए थे ना, अभी फिर से चलो फरिश्ता ड्रेस पहनेंगे। आज सवेरे सवेरे आप सब कुमारियों की याद बाबा को दी, बाबा को बताया कि बाबा अभी छोटी कुमारियों की यानी टीचर्स की भट्टी चल रही है। तो देखो हम भी, हम सब कुमारियां सोचेंगे अपने आप को, कौन है हम, कौन है कुमारी है ना, इधर छोटी कुमारी, हम सब छोटी कुमारी बन जाते हैं, अभी हमारी भट्टी चल रही है। तो बाबा ने कहा हाँ वहां कुमारी है, वहां बाबा को कुमारियां अति प्यारी है, क्यों? देखो कुमारियों का आते ही बाबा ने क्या किया, महिमा चालू की ना, वहा कुमारिया वहा, क्योंकि बाबा देखता है कि बच्चों का त्याग कितना है, संसार का त्याग तो करके आए, हिम्मत रखी। कुमारिया क्या करती है, संसार का त्याग किया, हिम्मत रखी ना, इसलिए तो आगे आए। अभी सिर्फ संस्कारों का त्याग करना है। देखो संसार त्याग करना बहुत इजी है, लेकिन संस्कार त्याग करने में मेहनत है, उसके लिए तपस्या कर रहे हैं ना। तपेंगे तभी तो निकलेगा ना पूरा अंदर का संस्कार, पुराना संस्कार। तपस्या के लिए एक व्रता, एक नामी, एकाग्र वृत्ति वाला बनना है, और तीन बातें विशेष धारण करनी पड़ेगी। फर्स्ट है निस्वार्थ, यानी हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं। दूसरा निर्व्यर्थ, बहुत जन यहाँ पे अटकते हैं ना, निर्व्यर्थ। और तीसरा रहम दिल बनना ही है।
है ना, बहुत जनों का निस्वार्थ भी है, रहम दिल भी है, लेकिन व्यर्थ अभी तक है ना। तो आज बाबा को सब कुछ दे करेंगे। बाबा के प्यार के आगे यह क्या बड़ी बात है। देखो बाबा ने इजी कर दिया, बाबा क्या बोल रहे, खुद अगर मेरे से प्यार है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, है ना, ये अपने आप हो जाएगा। जब निस्वार्थ, निर्व्यर्थ और रहम दिल बनेंगे तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है ही। सफलता की चाबी दी ना हमको। अगर कभी कोई विघ्न बनकर सामने आता भी है तो आप दृढ़ता के संकल्प द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले हैं। साथ साथ शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन द्वारा परिवर्तन करने की शक्ति आप में है। तो देखो बाबा आज हमें क्या क्या भर रहे हैं। विघ्न आएगा तो क्या करेंगे, दृढ़ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशंस से क्या हो रहा है, पूरा परिवर्तन हो रहा है। तो बताओ परिवर्तन की शक्ति यूज करते हो या नहीं, हो ना। तो हमें क्या करना है, आज से शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करने वातावरण। बाबा ने कहा अब किसी को भी बीती बातों का वाइब्रेशन नहीं देना, सिर्फ प्यार की बातों का अनुभव कराना, क्योंकि बीती बातों में कुछ नहीं है ना। यहाँ पर ही फुल स्टॉप लगाएंगे और सभी को क्या देंगे, प्यार की किरणें देंगे। अगर कोई कमजोर संकल्प आए तो अपनी शुभ वृत्ति, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तन कर देना। देखो अभी अगर कमजोर संकल्प आ रहे तो उसको कैसे चेंज करेंगे, शुभ वृत्ति, शुभ भावना और शुभ काम। तो बाबा ने कहा कि जब कोई भी बात आवे तो आप मेरे दिल तक पर बैठ जाना। चलो अभी बाकी छोड़ दो, शुभ भावना भी छोड़ दो, अभी सीधे चलेंगे बाबा के दिल तक पर। और सोचना कि यह क्या है और अब क्या करना है, तो बहुत सहज हो जाएगा। तो देखो बाबा के पास आएंगे ना तो अपने आप क्या होगा, यहाँ की शक्ति से हम सोचने लगेंगे, अरे मैं क्या सोच रही हूँ, है ना। देखो बाबा के यहाँ के वाइब्रेशन से क्या हो रहा है, ये क्या है और मुझे अभी क्या करना है ना, मुझे क्या करना है, मैं कितनी छोटी छोटी बातों में उलझ रही हूँ, मैं कितनी कमजोर हो रही हूँ, है ना। बाबा के पास आने के बाद तो कुछ लग रहा ही नहीं है, है ना, वो बातें छोटी लग रही है, फील हो रहा है बाबा के पास आने के बाद, फील करें सब बातें जो बड़ी बना के रखी थी, संकल्प बाबा के दिल तक, बाबा के पास बैठने से सब बातें एकदम छोटी और सब सहज लग रहा है, तो सहज हो जाएगा, बहुत सहज हो जाएगा। तो ये ग्रुप निर्विघ्न बनकर एग्जाम्पल बनने वाला ग्रुप है ना। तो बाबा ने आज देखो आशीर्वाद भी दिया, निर्विघ्न बनकर हम एग्जाम्पल बनकर दिखाएंगे कि ग्रुप है, क्योंकि सभी परमात्मा प्यार और परमात्मा ज्ञान द्वारा शक्तियां बन गई है ना। देखो बाबा के दिल तक पर बैठने से हमें बाबा का प्यार मिल रहा है और बाबा के ज्ञान से हम शक्तिशाली बन रहे हैं, अनुभव हो रहा है। कुछ सेकंड्स पहले हम कमजोर थे लेकिन अभी क्या सम फील हो रहा है, परमात्मा प्यार और परमात्मा ज्ञान से हम शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, शक्तियां बन गई है। आपको कोई भी देखे तो उसे कुमारी रूप देखने में न आए, सभी शक्ति रूप का अनुभव करे। देखिए अभी हम एकदम शक्तिशाली स्वरूप दिख रहे हैं ना, देवी देवता जैसे शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठ, दिल में दिल से मेरा बाबा कहना,
सभी शक्तियों का आना शुरू हो जाएगा। चलो अभी स्वमान की सीट पर बैठते हैं, अपने आप को बोलो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस सीट पर बैठने से हम शक्ति स्वरूप बन गए, और प्यार से बोलेंगे दिल से मेरा बाबा मेरा बाबा। बोलो सभी मन में मेरा बाबा। तो देखो ऑटोमेटिकली सभी शक्तियां हमारे अंदर आ रही है, शक्ति आना शुरू हो गई, दिखाई दे रहा है। मेरा बाबा बोलने से पूरी शक्तियां हमारे अंदर आनी शुरू हो गई, बाबा से होते हुए। शक्तियां तो बाबा ने आप सबको वर्षे में दी है, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी अधिकार से कोई भी शक्ति का आह्वान करो तो शक्ति आ जाएगी। वो अधिकार से बुला नहीं, है ना, शक्ति समय पर आ गई तो विजय हो ही जाएगी। अगर कोई शक्ति समय पर नहीं आती है तो उसका कारण है कि उस शक्ति को आप बार बार यूज नहीं करते हो। अगर हर शक्ति को बार बार यूज करते रहो और सीट पर बैठकर ऑर्डर करो तो वह जरूर कहना मानेगी। बाबा ने क्या विधि बताई, बार बार उस शक्ति को क्या करना है, आह्वान करना है, उसको यूज करना है, तो वो आपका कहना मानेगी। स्वमान की सीट पर बैठना है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और ऑर्डर देना है उसको बार बार यूज करना। तो आज से हम ये प्रैक्टिस करेंगे। तो बाबा का फेथ है कि ग्रुप विजयी अवश्य बनेगा। देखो बाबा का हमारे ऊपर विश्वास है, फेथ। बोलो ऐसा बाबा के उम्मीदवार बच्चे हो ना, बाबा का इस ग्रुप के ऊपर बहुत प्यार और उम्मीदें हैं। देखो कितना प्यार है ना, और उम्मीदें भी है बाबा से, हमारे से। तो जरूर बाबा की उम्मीदें पूरी करेंगे ना, कौन कौन करेंगे, ठीक है बाद में पूछेंगे। बड़े तो बड़े लेकिन छोटे सुभान अल्लाह। तो बोलो हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे, क्योंकि बाप के प्यार के अनुभव के आगे कोई भी बात बड़ी नहीं है। बहुत बड़ी बात बोली बाबा ने, उसके प्यार के आगे कुछ भी बड़ी बात नहीं। और यह तो आपने कल्प कल्प किया है, अभी भी करेंगे, और बाबा के प्यार का रिटर्न अवश्य देंगे। यह हमने किया है पहले, सभी ने हाथ उठाया। अरे वाह, सभी यहाँ पर भी हाथ उठाएंगे मन का। बाबा आप सबको देख रहा है, जिन्हों जिन्होंने हाथ उठाया ना अभी बाबा देख रहे हैं, सभी ने कितना बड़ा हाथ उठाया। अरे वाह, तो सभी बाबा के आज्ञाकारी श्रीमत पर चलने वाले हैं। आज इस ग्रुप के प्रति बाबा का विशेष उमंग उत्साह देखा, तो बाबा के इस उमंग उत्साह को आप जब प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगी तो आपकी बड़ी बहनें भी आपको देखकर खुश हो जाएंगी, और आपके साथी साथ सभी बाबा को दिल ही दिल में प्यार करेंगी। चलो अभी अभी बाबा से दृष्टि लेते हुए सभी कुमारियां साकार तन में आ गई। चलो अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठते। अब सभी अपने अनुभव शेयर करेंगे, हैंड रेस करते हुए। बाबा ने आज युक्तियां बताई है ना, शक्तियां कैसे यूज कर सकते हैं। सभी को आवाज आ रहा है ना,
अनम्यूट हो रहा है। शेरू भाई, शेरू आत्मा देखे, बोलिए। अनम्यूट है सभी का, हो रहा है। ओके, हो रहा है। ओके, नीलम आत्मा बोलिए। ओम शांति दीदी, आज तो अव्यक्त वचन की अनुभूति बहुत ही सुंदर फरिश्ता रूप में लाइट हाउस रहे, माइट हाउस और कमल आसन पर बैठे, ऐसे लग रहा था कि हम एक एक पंखड़ी को पिंक निहार रहे हैं, क्योंकि चबूतरे पर बैठे हैं तो इतना सुंदर लग रहा है सीन। फिर पहाड़ी पर भी पहुंचे और पहाड़ी में ऐसा लग रहा था कि बस सामने सनसेट हो रहा है और हम बाबा के साथ वी शेप में एक दूसरे के पीछे लाइन कतारों में बैठे और बाबा के साथ लवलीन प्रकाश का अनुभव कर रहे थे, बहुत ही न्यारे और प्यारे। और एक और अनुभव शेयर करूंगी, आज ORC में डिवाइन यूथ फोरम का भी समर्पण में हो रहा था, तो क्या कमाल के सीन थे, कैसे फरिश्ते अपना आते, अपनी ड्रेस पहनते और अग्नि के सामने फेरे लेते हुए बाबा रूम में जाते, वहां उनका मुख मीठा होकर और फिर उनको रिंग पहनाई जा रही है और फिर वापस आके वो अपने आशीर्वाद लेते दीदियों से, तो बहुत ही इतना टचिंग हो रहा था कि आज हमें बाबा भी अव्यक्त वतन में ले गए और यहाँ का साकार सीन भी देखे, तो बहुत मन प्रफुल्लित हो गया, दिल तख्त पर बिठाया बाबा ने। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जी बोलिए। शांति दीदी, बाबा ने कहा है आज बाबा बच्चों को देख खुश हो गए, क्योंकि सबके दिल में लगन है, कुछ करके दिखाएंगे। तो सचमुच सुनते सुनते दिल में ऐसा लगन आया कि बाबा मैं सचमुच कुछ करके दिखाऊंगी, कुछ ज्यादा कुछ स्पेशल करके दिखाऊंगी। ओम शांति। देखो, बाबा बल भरते हैं ना, और हमसे मोटिवेट करके हमसे ही करा के लेते। जी, तारा आत्मा बोलिए। ओम शांति ज्योति आत्मा। तो मुझे जब ड्रिल, बाबा का ड्रिल आप करवा रहे थे ना, तो इतना अच्छा लग रहा था, मेरा फेस पर इतना सुंदर से स्माइल आ रहा था कि कैसे कैसे एक एक सेकंड में हम बदल रहे थे, ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता, फिर अशरीरीपन, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और आप इतना देर तलक ऐसे करवाते गए और हम उसी में मगन होते गए और हमारे फेस के चेहरे पर भी एकदम स्माइल होते चलता गया, तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और सेकंड जब आप पढ़े तो उसमें बाबा ने जब बताया हमको कि मेरा बाबा कहते रहो अंदर से, दिल से, तो सर्वशक्तियां हमारी अंदर भरती जाएगी, तो ये फिर सर्वशक्तियां हमारे अंदर आएगी और जो शक्तियां है वो हमारी ऑर्डर मानने लग जाएगी, क्योंकि हम बार बार उसके आवाहन करते रहते हैं। ओम शांति। जी, तो ये यूज करना है अभी। हाँ, तो कितना अच्छे प्यार से समझाए ना, कि सिर्फ मेरा बाबा बोलने से उस स्मृति आती है और बाबा से हमारे अंदर शक्तियां आनी चालू होती है। बहुत अच्छा। इसमें मेरा भी फायदा होता है कि मेरा इतना अच्छा योग लग जाता है, ये संगठन की शक्ति है ना, तो इतना पावरफुल हो जाते कि बोलने का भी ऐसे मन नहीं करता, लेकिन वो अनुभूतें इतनी अंदर तक चली जाती है। तो देखो, संगठन का एक संकल्प होता है तो कितनी पावर महसूस होती है। सच में थैंक्स बाबा का और इस ग्रुप का, और सभी शेयर करेंगे।
अपने आप को कुमारी समझे। बाबा ने हैंड रेस करने को बोला था, किसने किसने हैंड रेस किया? हमने किया था, बहुत लंबा किया था। और तपस्या मैंने करनी है ना भी बसंत किया, मैंने भी जी। लंबा किया नहीं। तो देखो जी जी बाबा आदेश शांति, देते हो। हमने भी किया था दीदी। तो कुछ दिखाना है आज रिटर्न में, है ना, अवश्य करके। तो शुभ भावना शुभ कामना बद से बदलना ही सर्व व्यातावरण जी जी। बाबा ने ये भी कहा ना कि जो कैसा भी विघ्न आए, दृढ़ संकल्प से अपना परिवर्तन कर लेना। तो यही मतलब है कि मतलब कुछ करके दिखाना ही है बाबा, तुम्हें प्रत्यक्ष करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी आए, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। शांति देवी, कि बाबा की हमारे ऊपर उम्मीदें है ना, और हम ही करके दिखाएंगे। बोलिए निर्मला आत्मा। ओम शांति। मैंने भी है ना, जैसे बाबा ने बोला और आपने कहा कि ऐसे सर्व शक्तियों को की अनुभूति करो कि मेरे ऊपर बरस रही है, बाबा की गोद में बैठ जाओ, कोई नेगेटिव संकल्प आता है तो अपने समान की सीट पे सेट हो जाओ। तो मैंने एक चित्र बना लिया, मेरे व्हाइट अलमीरा है माइका की, तो मैंने उस पे बना लिया है आठों शक्तियों का प्रवाह मुझ आत्मा के ऊपर गिरता हुआ, ताकि वो देखते देखते मुझे याद रहेगा हमेशा। तो ऐसा किया है और रोज करूंगी। जी, और मेरा बाबा बड़े दिल से बोलना है हाँ जी, जी। बोलिए तारात्मा। और सभी शेयर करेंगे, बाकी कोई कुछ नहीं बोलते हैं। कितनी सारी आत्माएं। हाँ बोलिए। जी बाबा ने आज ये भी बताया कि जो हम सभी कुमारियां हैं ना, तो बाबा ने बोला कि संसार का त्याग किया है, लेकिन अब संस्कार का त्याग भी करना है। तो इसके लिए बाबा ने बताया कि एकाग्रता, एक नामी और एक वर्ता बनना है, और धारणा में निस्वार्थ, कोई स्वार्थ ना रहे, निर्व्यर्थ और रहम दिल बनना है। दीदी इसका मतलब, आई मीन सॉरी आत्मा, इसका जो बोलते हैं कि निस्वार्थ मीन्स कोई अपना इच्छा नहीं रखना है, निर्व्यर्थ कोई व्यर्थ संकल्प नहीं रखना, और रहम दिल बनना है। लेकिन कुछ मुझे क्वेश्चन था लेकिन मैं भूल गई। अच्छा कोई बात नहीं, ओम शांति। ओके, याद आएगा तो पूछना। तो निर्व्यर्थ होना है और निस्वार्थ, खुद का भी स्वार्थ नहीं हो उसमें कि मुझे इसमें कुछ मिल रहा है। ओके अनीता आत्मा बोलिए। हाँ दीदी यही कहती, बल्कि वैसे तो मैं वर्क में लगी हुई थी, लेकिन जैसे मतलब एकांत में करते करते अनुभव मतलब इतना अच्छा रहा, जैसे बाबा ने ऊंची पहाड़ी पर ड्रिल कराई, फिर सैर कराई, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं काम नहीं कर रही, बाबा के साथ साथ चल रही हूँ। वहां इतना सुंदर अनुभव हुआ उस समय, बहुत अच्छा लगा। जी, बाबा ने देखो बैचेस भी पहनाए। किसने किसने पहनाए जरा हैंड रेस करना, देखते किसने किसने फील करके पहना। मैंने भी पहना था दीदी, चलते चलते ही, जैसे बाबा हैं सूक्ष्म वतन में और मुझे भी बैच लगा रहे हैं। ओके, दादी जानकी जी, रतन मोहिनी दादी और वो भाई सब इमर्ज हुए थे, तो फील हुआ क्या? क्योंकि हाँ हम जी जब दीदी, देखते हैं तो हमारा उनसे पार्ट जुड़ जाता है। हाँ जी दीदी, उस समय खुशी बहुत अच्छी हो रही थी, जैसे बाबा बैच लगा रहे थे और दादियां खड़ी थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब मैं सचमुच में ही सूक्ष्म वतन में बाबा के पास ही खड़ी हूँ। बहुत खुशी हो रही थी उस समय। तो देखो बैच के ऊपर, पिन के ऊपर क्या लिखा था, दिखाई दिया आपको? पिन दीदी पर मेरा जैसा बाबा लिखा हुआ था और मेरा बैच बाबा, के हाँ जी अंदर, दीदी, हाँ बैच के अंदर हार्ट का चित्र था और उसके बीच में शिव बाबा का चित्र, हीरे जैसा, हीरे का बड़ा सुंदर चमक रहा, न्यारा और प्यारा।
तो उसमें भी आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा का चित्र नहीं, आज शिव बाबा का ही दिया, देखो मैंने पूरा शिव बाबा को ही याद करना जी। और जो ड्रिल्स कराते हैं ना, ड्रिल्स करते करते ना हमारे अंदर बहुत पावर्स आ जाती है, तो ड्रिल्स भी करनी है हमको। जैसे पहाड़ी पर ड्रिल्स कर रहे थे के okay, शेरू आ शेरू सिंह शेर सिंह आत्मा बोल। ओके okay, और कौन? हाँ बोल। ये तो बैच के लिए हैंड रेस्ट किया था, वो वाला है जो बैच के लिए हैंड रेस्ट करवा था ना आप। हाँ ठीक है ठीक है ओके। जयंत आत्मा बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने नॉर्मल मुरली के बजाय इतनी ग्रेसफुल मुरली हमको सुनाई है कि ऐसा लगा कि हम बाबा के साथ है, बाबा हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। और आज की मुरली की पढ़ाई भी इतनी अच्छी हो गई कि हम जैसे मुरली में मुरली के अंदर है और बाबा हमारे साथ है। ओम शांति। ओके तो ऐसे हमेशा हमें साथ मुरली बाबा के साथ अनुभूति करते हुए सुनना है, बहुत अच्छा। ओके गीता ओम आत्मा शांति। बोलिए ओम शांति। बोलिए। बाबा बाबा के बाबा का प्यार से बाबा को मेरा मैं पेरा मैं मेरे बाबा बोलने से सब शक्तियां हमारे पास आ गया और बाबा हमारा साथ है, हम बाबा का साथ है ऑलवेज। ओम शांति। जी और किसी को शेयर करना है? अभी टाइम भी हो रहा है तो सभी ना ये संदेश का है ना, वो सुबह अमृत वेला भी ट्राई करते हैं क्या? क्या सिर्फ आज का ही आज छोड़ देते? कौन कौन ट्राई करते हैं कुछ बताएंगे? क्योंकि बाबा आपके ऊपर मेहनत करा रहा है इस अव्यक्तवाणी क्लब से, बोलिए। ललिता सखी आत्मा हाँ दीदी, मैं ट्राई करती हूँ। बोलिए। ललिता सखी आत्मा आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके अनीता आत्मा बोलिए फिर हम दीदी क्लोज। मैं ये पूछना चाहती जो आप मतलब अमृत वेले इसका अभ्यास करने के लिए कह रहे, तो मतलब जैसा अभी हमने पढ़ा है इससे पहले नहीं किया दीदी, लेकिन अभी करेंगे हम। हमने ये मतलब दृढ़ संकल्प किया है कि करेंगे हम इसको अभ्यास सुबह में, लेकिन जैसा अभी जो हमने मतलब पूरा पढ़ के उसमें फीलिंग की, तो इसी तरह से करना है ना? हाँ चाहे तो आप सुबह भी पढ़ सकते हैं लेकर, और उस फीलिंग के साथ समझो व्यर्थ बहुत चल रहा है उठते, तो ऐसे जी संदेश या कोई भी अव्यक्त मुरली को रैंडमली खोलना है कौन सी भी, और थोड़े से स्ट्रॉन्ग संकल्प लेते हैं तो बहुत अच्छा अमृत वेला स्ट्रॉन्ग होता है जी थैंक यू दीदी। जी। तो बहुत अच्छा लगा हर बार की तरह इस सैटरडे को भी, और ये संगठन की शक्ति बहुत ही आगे लेके जाएंगे। आज बाबा ने बोला है ये ग्रुप क्या है, एग्जाम्पल बनकर दिखाएगा, निर्विघ्न बन के दिखाएगा, है ना? तो सभी बाबा के प्यार और ज्ञान से निर्विघ्न बनेंगे, यही शुभ कामना शुभ भावना लेते हैं। और सुबह भी जो बैच लिया और जो चबूतरे पर बैठे है ना, राउंड से छोटे बच्चों के जैसे हम बैठे थे ना, और हम अशरीरी हो रहे थे, फिर फरिश्ता, फिर ब्राह्मण, फिर देवता, ऐसे ये भी हम उस चबूतरे पर बैठ के अनुभव करेंगे सुबह। फिर हम मेरा बाबा बहुत प्यार से बोलेंगे, हमारे अंदर निस्वार्थ निर्व्यर्थ रहम दिल की भावना लाएंगे, और बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे तो डायरेक्ट पापा की गोदी में जाकर बैठेंगे दिल तख्त पर, और फिर देखेंगे अपने आप को हम किधर उलझ गए हैं, है ना?
तो ये प्रैक्टिस में लाएंगे जरूर। चलो अभी प्यार से सभी मेरा बाबा बोलेंगे मन में, एकदम दिल से बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और बाबा से आती हुई शक्ति हमारे अंदर भरती जा रही है, हमारे अंदर सारी शक्तियां इमर्ज हो रही है और हम शक्तियां बन रही है। देखे शक्तियां, नौ दुर्गा, दुर्गा के नौ रूप मुझ में ही मर्ज हो रहे हैं। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा इस सीट पर स्थित होकर बड़े प्यार से मेरा बाबा बोलते ही सभी शक्तियां ऑर्डर में मेरा कहना मान रही है। देखे सीट पर सेट हुए आत्मा का सभी शक्तियां ऑर्डर मान रही, मुझसे निकलती हुई शक्तियां सभी को अनुभव हो रहे हैं। और सभी शक्तियां समय पर इमर्ज भी हो रही और हम विजयी बनते जा रहे। हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, दिव्य शक्तियां हैं। हम ही थे, हम ही है और हम ही बनेंगे। इस स्मृति से हम आज सोएंगे और सुबह उठते ही इन्हीं सर्व शक्तियों को अपने में फिर से अमृत वेला इमर्ज होते हुए अनुभव करेंगे बाबा के साथ। ओम शांति, ओम शांति। तो अभी हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, सभी पोल का आंसर देंगे, सभी मेन स्क्रीन पर आएंगे। जी दीदी, सबमिट नहीं हो रहा है। ओके ओके देखो, बाप समान भव का वरदान लेंगे अगर तीन में भूल गए होंगे तो। अभी वरदान लेते हैं, फिर से चलते हैं वतन में और बाबा से वरदान, बाप समान भव। तो स्मृति में नहीं रहा आएगा नहीं। सभी पोल का आंसर देंगे। मन में लाएंगे नहीं कि हम बाप समान नहीं है, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करेंगे, हम बाप समान है ही। चलो अभी गुड नाइट सभी को, सभी बाबा से रूहान करते हुए बाबा से बातें करते हुए बाबा को पत्र लिखेंगे, चार्ट देंगे, फिर सोएंगे। किसी को योग करना है, योग करते हुए। ओके, गुड नाइट सभी को, ओम शांति। ओम शांति, गुड नाइट बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति, ओम ओम शांति दीदी, शांति, आपने गुड बहुत नाइट, अच्छे से समझाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू पूरे ग्रुप का।